क्या अभी भी गुनू जी है खंडे राव के रडार में, यानी कि शक की सुई क्या गुनू जी के ऊपर घूम रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। खंडे राव जो गुनू जी पे बहुत विश्वास करते थे और उनका विश्वास टूट गया जब गुनू जी की इतनी बड़ी हरकत सामने आ गई, जो उन्होंने जल बंधक में इतना सारा घोटाला किया, उसके बाद खंडे राव ने उनको सजा सुना दी। वो सजा हम देख रहे हैं मजे में तब्दील हुई पड़ी है और गुनू जी आराम से इधर उधर जा रहे हैं, मगर खंडे राव के दिल में उनके लिए क्या है वो इस सीन से समझ में आ गया, क्योंकि इससे पहले गुनू जी और खंडे राव के बीच में कोई सीन हुआ ही नहीं। तो ये सीन किस तरफ इशारा कर रहा था, वो जो एक डायलॉग जो हाथ का इशारा खंडे राव का गुनू जी की तरफ, वो किस तरफ इशारा कर रहा था, चलिए चर्चा करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गुनू जी वहां पे खड़े हैं, अंदर ही अंदर खुश हैं कि उनकी योजना कामयाब हो गई। इससे पहले द्वारका रानी की क्लास लगा चुके हैं कि आप क्या योजनाएं बनाती हो सासूबाई, फ्लॉप मैं हूं इसलिए आपका सब ठीक कर देता हूं। तो द्वारका बाई को भी उन्होंने चुप करवा दिया और खुद उन्होंने द्वारका बाई को अपनी योजना नहीं बताई है, और द्वारका बाई जिसको बाद में अगर ये बात पता चली तो वो खुद गुनू जी की क्लास लेगी, मगर यहाँ पे उनको भी कुछ नहीं पता है। वो अभी भी अपने जवाई साहिब के साथ हैं क्योंकि ये सही हैं, जो भी उनका उनके प्रति प्यार है वो निभा रही हैं। मगर यहाँ गुनू जी जानते हैं कि जो भी हो रहा है हमारी योजना की कामयाबी के तहत ही हो रहा है। माले राव का ऐसे आना सर, जबकि वो तो ये सोच के बैठे थे कि माले राव का असली सर आ जाता, जो उनके एक्सप्रेशन थे ये नकली क्यों आ गया। तो ये जब चीजें हो रही थी और गुनू जी वहां पे खड़े थे, एक भी डायलॉग नहीं बोल रहे थे, तभी गुनू जी के दिमाग में चमका कि मुझे भी कुछ बोलना चाहिए। इसलिए उन्होंने फटाफट से खंडे राव को कहा कि मैं भी साथ में चलता हूं, और खंडे राव ने बात पूरी भी नहीं होने दी और साथ में ही इशारा करके गुनू जी को मना कर दिया कि मैं अपने बेटे को ढूंढने में खुद सक्षम हूं। तो ये किस तरफ इशारा करती है दोस्तों, दो चीजें इसमें आ सकती हैं। एक तो ये कि अभी तक खंडे राव के मन में गुनू जी के लिए नाराजगी खत्म नहीं हुई है, वो विश्वास जो अटूट विश्वास था सबको पीछे छोड़ दिया था खंडे राव ने, सिर्फ गुनू जी पे ही विश्वास था, वो विश्वास पूरी तरह से टूट चुका है, वो विश्वास अभी 1% भी नहीं बना है। या फिर दूसरी चीज कि क्या खंडे राव को शक हो गया है गुनू जी पे, क्योंकि गुनू जी ही है वाड़े में जो खाली घूम रहे हैं, और गुनू जी का दिमाग कितना शातिर है ये खंडे राव अब तक तो जान ही चुके हैं। इन दोनों में से कौन सी बात है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर फिलहाल गुनू जी तो मन ही मन खुश हैं, मगर खंडे राव के मन में उनके प्रति जो विश्वासघात की जो फीलिंग है वो अभी भी कायम है, अभी भी वो अपना जो जगह है वो खंडे राव के मन में नहीं बना पाए हैं जो उनकी पहले थी। तो देखते हैं क्या निकलता है इसका नतीजा, मगर फिलहाल ये चीजें सामने आई हैं इस सीन से। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिए, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.